दमोह जिले के भटियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिंगोन में ग्राम पंचायत एजेंसी के द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से इस निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। ग्राम पंचायत में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो चौंका देने वाली हैं। यहां पर नदी में तटबंधन बाउंड्री वॉल में करीब 10 लाख की लागत से रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एस्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा है। इस मामले में जब उपयंत्री मोहम्मद हुसैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने भी घटिया निर्माण देखा है, यहाँ काली डस्ट का उपयोग हो रहा है, इस संबंध में प्रतिवेदन बनाया जाएगा। उपयंत्री की बातों से ऐसा लग रहा है कि वे सही मूल्यांकन की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि कार्यवाही कब तक होती है। बाउंड्री कौन बनवा रहे हैं? सरपंच। इसमें डस्ट लग रही है? नहीं। काली वाली? नहीं। यहाँ नदी पे तो डली है वो काली डस्ट, थोड़ी थोड़ी लग रही। हाँ, हमारे संज्ञान में आया है, हम काम चेक करने गए थे वहाँ। सरपंच जी से हमने मौखिक एवं लिखित कहा है उनसे, और यदि वो नहीं मानते तो कार्य का मूल्यांकन संभव बन नहीं करेंगे। वहाँ पे काम चेक किया है। तो क्या गाइडलाइन है कि काली डस्ट लगा सकते हैं? नहीं, गाइडलाइन तो नहीं है, लेकिन वो मिला के लगा रहे होंगे। तो इसमें समझा देंगे इनको। तो इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें कार्रवाई यही होगी कि तत्काल कार्य का मूल्यांकन संभव नहीं होगा जब तक हम दोबारा चेक नहीं करेंगे। कितने लाख की लागत से बन रही है बाउंड्री? सात लाख बीस।